रुकायत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पलाश विश्वास जी, जिनको हम वेब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखते हैं, और बंगाल के अंदर जो दलित आंदोलन है और जो वामपंथी ताकतें हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं बंगाल के बारे में, बंगाल से बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। बंगाल के अंदर जो यथास्थितिवादी शक्तियाँ हैं उन्होंने ही ये सारा खेल रचा है। पलाश जी बहुत समय से इस बात को लेकर लिख रहे हैं, तो पलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बंगाल की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है। बंगाल में क्राइसिस ये है कि यहाँ पर बाकी जैसे उत्तर भारत है, मान लीजिए गायपट्टी है या महाराष्ट्र है या दक्षिण भारत है या पंजाब दूसरे राज्यों की बात है, तो वहाँ पर जो रूलिंग क्लास है, जो सत्ता वर्ग है, वो चाहे कितना ही ताकतवर हो तो बाकी वर्गों ने एक स्पेस बनाया है। जैसे उत्तर भारत में बिहार यूपी में सत्ता में भागीदारी भी कर रहे हैं, ओबीसी आ गया, दलित आ गया, वो ओबीसी आ गया, दूसरे राज्यों में ओबीसी चीफ मिनिस्टर में वसुंधरा राजे, या चाहे किसी भी पार्टी से हो, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए ओबीसी की तरफ से आगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सारे वर्गों में है। ये प्रतिभा पाटिल आ गई, फिर नारायण साहब राष्ट्रपति बने जी। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति में नहीं, किसी भी सेक्टर में नहीं। जैसे बंगाल का साहित्य है, संस्कृति है, चित्रकला है, तो ऐसा नहीं हुआ। रंकर में एक गौतम हल्लर बहुत अच्छे कलाकार उभर रहे थे, वो भी किनारे पर कर दिए गए। पत्रकारिता में भी बाकी जगह जो है, पत्रकारिता में तो कुल मिला के मीडिया में ऐसा है कि सब सवर्ण वर्चस्व ब्राह्मण वर्चस्व सब जगह है, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा ही है। जबकि बंगाल में 60-70% जो जनरल पत्रकार है वो SC ST OBC कम्युनिटी के है, लेकिन एडिटर हमेशा ब्राह्मण है। चंडाल मूवमेंट जो सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन शेखर बंदोपाध्याय ने किया, और मनोहर मौली विश्वास हमारे शुरू से दलित आंदोलन के संस्थापक है, लेकिन जब उन्होंने लिखा कास्ट के प्रॉब्लम को एड्रेस किया वो भी उनका शेखर बंदोपाध्याय के साथ है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म नहीं हुआ होता और मैं बंगाल में आने के बाद, मुझे तो बंगाल में आए हैं, बंगाल में आने के बाद ही इनकी, मुझे तो हर कहीं से मेरी नाकेबंदी, मुझे, मैं रिक्रूट करता था। मैं जब दैनिक जागरण अमर उजाला में, आज भारत में 200 संपादक मैंने पैदा किए, अच्छा, जिनकी नियुक्ति मैंने की, जिनका, जिनके लिए मैंने क्वेश्चन सेट किए, जिनका टेस्ट लिया, जिनको इंटरमीडिएट में मैंने पकड़ के मैं ले आया, अच्छा, मैंने घर में जाके लाके उनको पत्रकार बनाया, सिखाया, पढ़ा, वो सारे लोग संपादक, और मैंने जनसत्ता में उप संपादक पद पर रिटायर किया। और बंगाल में साल के अंदर आपको जो है वो मुझे प्रमोट ही नहीं किया जनसत्ता में आने के बाद। प्रभात जोशी जब लाए तो मुझे कहा कि आपको कलकत्ता एडिशन संभालना है, अच्छा, और यहाँ पर वो अशोक सक्सेरिया थे, तो प्रभात जोशी जानते थे पहाड़ के उत्तराखंड के हैं, तो कम से कम ये दलित तो नहीं होंगे या ओबीसी नहीं होंगे, अच्छा, इस कारण से। हाँ, और मेरा नाम चूंकि पलाश चंद्र विश्वास है, और चंद्र पहाड़ में आपका दलितों के नाम के साथ नहीं लगता है, अच्छा, तो उससे बड़ा वो, 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 तो लोगों आपका, का आपका एक मानना है कि प्रभास जोशी ने जो आपको वो सवर्ण समझ किया, सवर्ण समझ कर ब्राह्मण समझ के तो नहीं, वो संभव नहीं, क्योंकि विश्वास ब्राह्मण ब्राह्मण भी है, बिल्कुल। तो उनको अशोक सक्सेरिया ने जब इंट्रोड्यूस कराया, अशोक सक्सेरिया ने सबसे पहले, अरे मैं जानता हूँ ये तो बंगाल के नमोसूत्र दलित है, अच्छा, और उसके बाद तुरंत मैं डेस्क का प्रभारी था, मेरा नाम टाइम टेबल में पहले छपता था, मेरी दिन की ड्यूटी लगा दी, मुझे डाक डेस्क पे डाल दिया, और मेरा जो बेसिक पे था उससे 4 इंक्रीमेंट नीचे मुझे बैकडेटेड अपॉइंटमेंट सब एडिटर का दे दिया।
ये क्या ऐसा ऐसा सबको खबर दे सबकी खबर दे। हाँ, और वो मेरे जूनियर जितने थे सबको उन्होंने वो किया प्रमोट करके ऊपर बैठा दिया, और पहले दिन से आखिरी दिन तक अखबार में निकाल। प्रभाजू जी तो भारत के अंदर ब्राह्मणवाद के सबसे प्रकांड विद्वान है। तो ये और ये इसलिए हुआ, और सारे मैनेजर हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में बनर्जी मुखर्जी चटर्जी गांगुली चट्टोपाध्याय चक्रवर्ती दासगुप्तो सेनगुप्तो ये लोग थे। तो ये सिर्फ मीडिया में मैं ये कह रहा हूँ, बंगाल में बाकी जगह जो परिवर्तन आया जो सामाजिक बदलाव आया है बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बस ये इसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बंगाल में जो मूवमेंट रहा है दलित मूवमेंट, अगर हम भारत में बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर रामास्वामी पेरियर और नारायण गुरु ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले इन सबसे पहले बंगाल में मूवमेंट शुरू हुआ। बंगाल में जो मूवमेंट हुआ हरिचंद ठाकुर ने शुरू किया और नील विद्रोह के मार्फत, और उसके बाद बंगाल में एक बहुजन समाज की उपस्थिति रही है कंटिन्यूसली, जैसे आदिवासी दलित ओबीसी जितने लोग हैं किसान आंदोलन आदिवासी विद्रोह जो रहे ये साझा मूवमेंट रहा है। ये नील विद्रोह में भी ये मूवमेंट रहा है, सन्यासी विद्रोह में भी रहा है जिसे बंकिम चंद्र ने उसका डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से हिंदुत्ववादी थे उसमें मुसलमान भी लीडर थे, और वो भवानी ठाकुर नाटोर की रानी थी जो लीड कर रही थी जिनको देवी चौधरानी के तौर पर पेश किया बंकिम चंद्र ने। उसके बाद भी करीब 60 साल तक वो मूवमेंट चला बंगाल के अंदर जो जिसे आप सांस्कृतिक पुनर्जागरण बोलते हैं रनेसा, इससे पैरेलल रनेसा चला बिल्कुल जो असल था, क्योंकि बंगाल में जो रनेसा चल रहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय और ये देवर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर जो परिवार के लोग थे ये लोग जो मूवमेंट कर रहे थे ये सत्ता पर का मूवमेंट था, यानी अंग्रेजों से सीधा जुड़ा हुआ था। और रविन्द्रनाथ के दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर उस जमाने में लंदन स्टॉक मार्केट में उनका बहुत बड़ा, उनकी हालत आज के अडानी अंबानी जैसी थी, फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया। और वो देवेंद्रनाथ ठाकुर के जमाने में भी जो स्लेव्स भेजे जाते रहे यानी मॉरिशस में और आपका लैटिन अमेरिका में अमेरिका में उसका कारोबार ये ठाकुर परिवार करता था, टैगोर परिवार करता था, इनकी जमींदारी थी। और यहाँ तक कि चाय बगानों में जो आज संथाल वगैरह लोग बांग्लादेश में है या असम के टी गार्डन्स में है ये इसी परिवार के लोगों ने भेजा। तो इनका जो संस्कृत कॉलेज में नॉन ब्राह्मण की भर्ती नहीं होती थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, और जब पहली बार उन्होंने किसी विधवा के बेटे को उन्होंने दाखिला दिया संस्कृत कॉलेज में तो उसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण अलग हो गए, उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और उसी हिंदू कॉलेज से कलकत्ता विश्वविद्यालय बना। तो वो जो एम्पावरमेंट था और जो कुप्रथा थी जैसे सती प्रथा है बाल विवाह है बहु विवाह ये आपके बहुजनों में नहीं था, ये ब्राह्मणों में थे, इनमें था इनमें कि ये नवजागरण और स्कूल जो स्त्री शिक्षा का भी प्रचार वो अपने वर्ग में तो उसमें हरिचंद ठाकुर ने विधवा विवाह किया इनसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पहले, उसका इतिहास ही नहीं। क्या कारण है कि बंगाल जो कि लगभग 400 साल तक बुद्धिस्ट, हाँ वो जो परंपरा बुद्धिस्ट जो थे वो आके पूरे नमोशूद्रस नमोशूद्र कम्युनिटी और जो अन्य जो जातियां थी बहुजन दलित जातियां वो सारे ज्यादातर बुद्धिस्ट, ये उस इतिहास को आज भारत के दूसरे हिस्से में लोगों को कुछ पता नहीं। वो अभी जो है ये लोग जो कहते हैं जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पतन के बाद ये जो गुलामी की बात करते हैं हमारे लोग बामसे वाले दूसरे लोग ये बिल्कुल मैंने कहा बामन मिस्काम हो बोरकर हो तमाम लोगों से कहा कि इसको बंद कीजिए इससे हमारी स्थिति कमजोर होती है, हजारों साल से कोई गुलाम नहीं रहा है। क्योंकि ये आर्यावर्त का भूगोल पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार तक सीमित था, राजस्थान में भी लोग लड़ रहे थे, विंध्य प्रदेश में भी लोग लड़ रहे थे, पंजाब में भी लड़े, लेकिन पंजाब में आर्य मौजूद थे बंगाल में नहीं थे, पूर्वी भारत में नहीं थे। और दूसरी बात है कि 17th-18th सेंचुरी तक में जो आपका महाराष्ट्र है आंध्र प्रदेश है छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश है बंगाल असम सर्वत्र ये आपके शूद्र राजा
नहीं वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो बिल्कुल ये कह देना कि पहले हमारे पास कुछ था ही नहीं और ये बिल्कुल गलत है, सीरियस गलत है। और ये जो आजादी के इसके कोई जो है हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी गलत है क्योंकि चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ था पलासी की लड़ाई के तुरंत बाद। मेदिनीपुर में एक साथ तीन तीन डीएम को मार दिया गया कंटिन्यूअसली कंजिक्यूटिवली। मेदिनी दामोदर के उस पार कंटिन्यूअसली चुवाड़ विद्रोह में सारे लोग ये शामिल थे और ये तेभागा तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा। ये जो मेन स्ट्रीम रहा है वो अलग। सवाल ये है कि जब मैंने इतिहासकारों से भी बात की थी, मैंने बड़े लोगों से, रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे लोगों से, शेखर पाठक हमारे पहाड़ के उनसे, बाकी विश्वविद्यालयों में भी इतिहास विभागों से मैंने बात की, नागपुर विश्वविद्यालय में बात की, कलकत्ता में, जादवपुर में, अलग में, देश भर में घूम घूम कर बात की मैंने। तो होता ये कि ये जो कहते हैं आठवीं शताब्दी के बाद ये तम युग कहते हैं, डार्क एज। तो अब मजे की बात है, चर्यापद जो लिखा गया, सारी भाषाओं का जो विकास हुआ, यह सातवीं आठवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक हुआ। जब आपकी भाषा का विकास हुआ, जब आपकी संस्कृति का विकास हुआ, तो उस युग को आप अंधकार युग क्यों कहते हैं? और इसके तमाम सबूत हैं कि उस जमाने में तमाम शूद्रों और दलितों का राज था पूरे देश भर में, वो हिस्ट्री खत्म कर दी गई। और यहाँ तक कि बंगाल में ग्यारहवीं शताब्दी में पाल वंश का पतन हुआ। तो ग्यारहवीं, आप पाल वंश के बारे में आप कितना जानते हैं बंगाल के बारे में? जबकि पाल वंश का राज पंजाब में आपका 13वीं 14वीं माने पठानों के पीरियड तक में पाल वंश के राजा लोग थे। और ये जो कनेक्शन है, ये बंगाल का कनेक्शन नेपाल से लेके आपका महाराष्ट्र तक और तमिलनाडु तक ये रहा है। और दरअसल अगर देखा जाए एकदम शुरू से जड़ से पकड़े, जो निग्रोइड जो लोग हैं उससे ये भूमध्य सागर पार फिनलैंड और आपका डेनमार्क तक वो वाइट भी है, सिर्फ काले नहीं है। और ये फिलीपींस से लेकर कंबोडिया, बाली, सुमात्रा, ये बंगाली अलग कोई जाति नहीं है। जो बंगज कहा जाता है, बंगज का मतलब ये है साउथ इंडिया से लेके फिलीपींस तक की ये जो मानव जाति है, ये सारा है। तो लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है ये। तो ये जो सारे लिंक इसको सस्टेन नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी असफलता है। इसका कारण क्या है कि जो बंगाल के अंदर जो बुद्धिजीवी है, क्या वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट था? नहीं, डिसऑनेस्ट के अलावा भी एक कारण ब्रेकअप ये हुआ कि भारत में गड़बड़ी जो सबसे ज्यादा हुई है वो लैंड सेटलमेंट एक्ट से शुरू हुआ और टर्निंग पॉइंट था लैंड सेटलमेंट। देखिए बंगालों के ब्राह्मण और जो खासकर बंगालों में जैसे कायस्थ हैं या यूपी में भूमिहार हैं या कुर्मी है मध्य भारत में, या मध्य बिहार में कुर्मी है, यूपी में कुर्मी है, या आपके जंगल भर में कुर्मी है, ये जो जमींदार जो बने, ये जो जमींदार वर्ग इन्होंने क्रिएट किया, तो हुआ क्या, ये जो सारे विधाओं, माध्यमों, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन पर इनका कब्जा हो गया। इनका कब्जा हो गया, ये जो जमींदार वर्ग के लोग हैं, रियासतों के लोग हैं, भोसले, सिंधिया, ये तमाम जो लोग हैं, इनका ये जो एक क्लास क्रिएट हुआ, इस क्लास ने पूरा का पूरा आपका कैप्चर कर लिया। तो हुआ कि इनके इंटरेस्ट के खिलाफ इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होने नहीं दिया और इनके प्रभाव में सारा वो अभी भी सबल्टर्न स्टडीज में शिखर बंदोपाध्याय है, तुषार चट्टोपाध्याय है, यानी फर्स्ट पर्सन का पर्सन नहीं, यानी जो भारत का विभाजन हुआ उसका जो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पंजाब में हम देखते हैं, पंजाब में तमाम लोगों ने लिखा है, खासकर पंजाबी लिटरेचर में जो नरेशन पंजाबी लिटरेचर में आया है उसमें दलितों का है, ओबीसी का भी है। बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, बंगाल में कोई नरेशन नहीं है, जो विभाजन पीड़ित है उनकी कोई स्टोरी बंगाल में नहीं, फर्स्ट पर्सन वर्सन में नहीं है, वो जमींदारों का किस्सा है सारा का सारा। बंगाल के अंदर जो करीबन 40 साल वामपंथी शासन रहा, इसका बहुत बड़ा असर, आप लोग सब जो है वो वामपंथी शासनों के कहीं ना कहीं पर अपने वामपंथी साथियों के साथ में बहुत बैठते हैं, दिल्ली में बैठते रहे हैं। इससे ज्यादा दिल्ली से बाहर जो है बंगाल के बारे में एक हवा जो बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे वामपक्षीय चिंतकों का है, जो अखबारों में भी थे, जो हिस्टोरियंस भी थे, जो पोइट्स भी थे, जो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, और बंगाल को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी
जमीन बता करके उसके अंदर जो यहाँ की जो मुख्य धारा की पार्टी थी CPIM, उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि बंगाल के अंदर दलित भी रहते हैं, बंगाल के अंदर OBC भी है। उसने कभी जो फेडरल लॉ है रिजर्वेशन का, उसको कभी यहाँ लागू करने की कोशिश नहीं की। इसकी क्रिटिक हमारे जो बौद्धिक तौर पे जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आपके रोज संपर्क हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, पहली बात तो एक बैंक ऑफ बंगाल के बारे में ये जो कंटिन्यूटी जो है, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी बहुत बुरी तरह देखी हुई है। जैसे बंगाल का जो ये लिबरल जो बताते हैं, उदार जो बताते हैं, बंगाल में दो बातें हैं। बंगाल में सेमी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसका कारण है द्रविड़ कल्चर, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकली ये लोग द्रविड़ है, बंगाल जैसे। तो ये जो दुर्गा काली ये गॉडेस जो है मदर है, राम की पूजा बंगाल में नहीं हुई, ये कृष्ण की पूजा वैष्णव धारा जो आई है ये कभी जयदेव और चैतन्य महाप्रभु से बहुत लेट, ये ब्राह्मणिकल माने वो एक पुनरुत्थान बंगाल में हुआ जो वैष्णव मूवमेंट के दौरान कन्वर्सन हुआ, जो मुगल पीरियड में जो हिंदुत्व में दलित हिंदू नहीं माने जाते थे 1911 तक, उनकी गिनती अलग होती थी। उन्होंने देखा कि अगर ब्राह्मण सिर्फ 3% है बंगाल में, माइक्रो माइनॉरिटी, तो अगर हिंदुत्व की बात करते हैं और दलित अलग रह जाते हैं तो फिर ये तो मुसलमानों का हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके कारण उन्होंने बाद में 1911 के बाद मानना शुरू किया कि भाई ये लोग आप लोग हिंदू हो, ये जो मूवमेंट ये जमींदारियों को बचाने के लिए जमींदारों को जो तारशंकर बंदोपाध्याय की उपन्यास में दिखाया जाता है, जो जमींदारों के जो जो इंटेलेक्चुअल है ना, उसका कारण है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो उनको बहुत हद तक मैं मानता हूँ, हम बता भी रहे हैं, ये जो कम्युनिस्ट एक पाखंड है, क्योंकि इसकी शुरुआत ये होती है, मैं ये बताऊं कि आपकी जो अगर कहा जाए सर्वहारा वर्ग का जो लड़ाई है वो उसकी मुख्य धारा किसान आदिवासी विद्रोह की धारा रही है, जो 17वीं शताब्दी से ये चालू रहा है कंटिन्यूसली। ये बंगाल ही नहीं, नेपाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा और कुछ हद तक मध्य भारत तक में इसका असर रहा है। आज जो नक्सलवाद माओविस्ट मूवमेंट कहते हैं उसकी धारा भी वहां से कंटिन्यू करती। अब हुआ क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले वर्कर्स पार्टी बनाई थी, बाबा साहब ने कभी कम्युनिज्म का उस दिन से विरोध नहीं किया, कम्युनिस्टों की आलोचना की है, क्योंकि इन्होंने हाईजेक किया कम्युनिस्ट मूवमेंट को, चाहे मानवेंद्र राय हो जो कम्युनिस्ट लीडर्स है, इन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को यानी जमींदार, ये सारे लोग जमींदार, चाहे नागभूषण पटनायक है वो जमींदारी बैकग्राउंड के, हरिकृष्ण कोंगार जो किसान मूवमेंट के थे वो भी जमींदार परिवार के हैं, ज्योति वसु जमींदार परिवार के हैं। तो ये जितने भी कम्युनिस्ट लीडर, वो तो हर एक कम्युनिटी में होता है कि जो भी ज्यादा वोकल होगा वही आगे आएगा। हाँ, तो वो होता क्या है कि वो जो ग्रासरूट लेवल पे जो इनका कैडर था, तेभागा मूवमेंट पर्टिकुलरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेभागा मूवमेंट के आधार पर ही बंगाल या बाकी देश में आपका मूवमेंट हुआ। तेभागा मूवमेंट के लड़ कौन लोग रहे थे, SC ST OBC, नक्सलाइट मूवमेंट में हजारों हजार आपके लोमसूत्र कम्युनिटी के लोग मारे गए, यही उत्तर 24 परगना में मारे गए, मालदा में मुसलमान मारे गए। लोग ये कहते हैं कि पलाश विश्वास जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों के बिहार पे बोलते रहते हैं, दलितों को बार बार जो है बोलते वर्ग 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 की बात करते हैं और जाति की बात करते नहीं है। जाति की बात तो मैं करता हूँ, उनकी भाषा शैली जितनी होती है वो कम्युनिस्टों की बात है। ये है कि भाषा शैली में जो ये जो मैं इसको मानता हूँ कि ये जो गाली देने वाली बात, क्योंकि ब्राह्मण बात अलग है और ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण अलग क्यों है? नहीं, ब्राह्मण अलग इसलिए है कि ब्राह्मण को हम गाली देने से नहीं, ब्राह्मणवादी जो पूरा शासन प्रणाली, सवाल ये है कि जब तक कोई ब्राह्मण रहेगा तब तक ब्राह्मणवाद भी रहेगा ना? नहीं, वो सही है, लेकिन जाति के अलावा एक तंत्र है, एक सिस्टम है, बट एक सिस्टम है। ब्राह्मण होना का मतलब ये है कि आप जाति को मान रहे हैं। हाँ, वो है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्राह्मण हो के भी नहीं मान सकते। वो ब्राह्मण जब नहीं मानेगा उसका डीब्राह्मणाइजेशन होगा ना। हाँ, डीब्राह्मण हो, कितने ब्राह्मण जो राहुल सांकर हैं की तरह। लेकिन है, लेकिन मुख्य मुद्दा होली में भी नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी अक्रॉस दी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां डिफरेंट हो गई है, एब्सोल्यूट जो पावर हो गया है तो उसके मुकाबले में, क्योंकि दलित मूवमेंट अभी है नहीं, वास्तव में नहीं, अंबेडकर मूवमेंट है तो
वामपंथियों की मूवमेंट यही तो ना, वामपंथी मूवमेंट भी नहीं है, दलित मूवमेंट भी नहीं है, तो संघ परिवार का मूवमेंट है। तो अब सारी जो शक्तियां हैं, डेमोक्रेट शक्तियां हैं, उनके यूनिफिकेशन का वक्त है। तो आइडेंटिटी वाइज यूनिफिकेशन कैसे होगा? मतलब ये बात सब करते हैं, बार बार बात होती है कि साहब हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होने के लिए कुछ कंडीशंस भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कहां गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी ये हुई, बाबा साहब ने वर्कर्स पार्टी बनाई, बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू किया, लोखंडे साहब ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू किया। और जब ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट से बाबा साहब को अलग कर दिया गया, वो एक छोटी सी बात पर जो बॉम्बे में हुआ कि ये उसमें भी जाति का सवाल मुख्य था, जिसको मानने से इनकार किया। बाबा साहब आज बाबा साहब अगर कम्युनिस्ट मूवमेंट में होते जैसे इनका था, पहले ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ये साझेदारी थी, वो साझेदारी इन्होंने तोड़ दी, कम्युनिस्टों ने बाबा साहब को अलग कर दिया। तो बाबा साहब के पास कोई अदर कोई रास्ता नहीं था। स्ट्रेटेजिकली अगर एम्पावरमेंट करना है तो एम्पावरमेंट करने के अलावा कांग्रेस के साथ जाने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, कि कम्युनिस्टों ने तो उनको छोड़ दिया था, समाजवादियों ने उनको छोड़ दिया था, और उनको समाजवादियों के साथ तो उनके संपर्क तो लास्ट मोमेंट तक जो है वो थे, लेकिन समाजवादियों ने उस ढंग से सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस के पोर्टफोलियो में बाबा साहब को जाना पड़ा, उसको एक तरीके से धकेल कर दे दिया गया। साल में ये हुआ कि जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्होंने बाबा साहब को जिता है, माने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य थे, और मुकुंद बिहारी मल्लिक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में नहीं थे, कांग्रेस का और दूसरे लोगों का यहाँ पर था, इसके बावजूद अक्रॉस द पार्टी लाइन बाबा साहब को सपोर्ट करके जो जिताया। और पार्टीशन जब हुआ, पार्टीशन तो पूरी तरह हिंदू महासभा ने कराया। कैसे कराया था महासभा? हिंदू महासभा ने इसलिए कराया कि बंगाल में जो आपका लैंड सेटलमेंट, ये लैंड रिफॉर्म्स का बंगाल के पार्टीशन की बात कर रहे हैं, भारत के पार्टीशन की बात, भारत की पार्टीशन, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन नहीं होता तो भारत का पार्टीशन नहीं, भारत के पार्टीशन में मोहम्मद अली जिन्ना कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो बहुत बाद में, वो उसको एक्टिवेट करने की स्थिति बंगाल में बनी। वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो लैंड रिफॉर्म का मुद्दा हरिचंद ठाकुर के मतुआ मूवमेंट का मुद्दा था, ये नील विद्रोह के जमाने के, उस जमाने से जमीन के हक हकूक की लड़ाई चल रही थी। क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने उनका जो चार्टर था, ओरिजिनल चार्टर था, उसमें जमीन जो जोतता है उसको जमीन की मिल्कियत दी जानी चाहिए, ये कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं था, उनका एजेंडा था। कम्युनिस्ट एजेंडा आज भी नहीं भाई, यानी आज भी नहीं है, उन्होंने लागू भी नहीं किया है। अब ये जो प्रजा कृषक समाज पार्टी फजलुल हक की जो बनी, तो उनका एजेंडा था आपका लैंड रिफॉर्म, और बंगाल में 1901 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, नॉर्थ इंडिया में नहीं हुई, ढाका के नवाब के कारण ये हुआ। लेकिन बंगाल की जनता को कोई सपोर्ट नहीं था और नॉर्थ इंडिया के लोगों का भी कोई सपोर्ट नहीं था। अब ये हुआ कि आरएसएस के जमाने से पहले हिंदू तो हिंदू महासभा हुआ, जिसके दो बड़े लीडर थे, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे थे इंद्रजीत चटर्जी, जो सोमनाथ चटर्जी के पिता थे। तो इन लोगों ने क्या किया, श्यामा प्रसाद फजलुल हक से गड़बड़ी ये हुई कि फजलुल हक ने जो पहली मंत्रिसभा बनाई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लागू हुआ रखा, और वो जमींदार परिवार से थे, उनकी जमींदारी यहाँ पर बलागढ़ में थी, हुगली में थी, और ऐसे जमींदार थे कि जब अकाल हुआ बंगाल में, भूखमरी थी, तो भूखमरी के चंदे से उन्होंने बागानबाड़ी बनाया, गार्डन हाउस बनाया। अच्छा, उसका पूरा डिटेल, उसका डॉक्यूमेंटेशन चित्त प्रसाद ने किया है कि कैसे उन्होंने बागानबाड़ी बनाई। एक बात यह है ना कि आपको पता है वो आपके दुश्मन या वो आपका भला नहीं चाहती, तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं? उम्मीद नहीं कर रहे, वो तो कंसोलिडेशन दलित मूवमेंट का होना जरूरी है, जो बंगाल में जो शुरू में था। बंगाल जो है इतना ज्यादा, मतलब आप बंगाल को बोलते हैं कि साहब व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये पता नहीं कितनी बार लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने कहा तो अच्छी बात है कि बंगाल आज सोचता है, इंडिया नहीं सोचता उसके बारे में, लेकिन पॉइंट ये है कि इतना यहाँ पर एग्रेशन है, लोग सड़क पे आते हैं, धरना प्रदर्शन रोज कोई ना कोई चल रहा है। बंगाल के अंदर दलित परसेंटेज कितना है? 22% है, और मुस्लिम कितना परसेंट है यहाँ पर? आ जाता है 27, लेकिन अबाउट 30 हाँ, 30 तो 27 ही लगा दीजिए सरकारी यहाँ पे, 27 प्लस 22 मेक्स नियरली 49%। बिल्कुल 49% कभी भी सीपीएम को नहीं मिला,
46 से 48 पे ही सरकारें बनती है ज्यादा, मतलब और जगह तो 20 पे बनती है ना, लेकिन मतलब किसी भी पार्टी को इधर 49% वोट इन दो समूह का हो, उनकी ना नौकरी में भागीदारी कहीं है, और नौकरी से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं भागीदारी नहीं दिखाई देती। यही तो पार्टीशन का मजा है, यही मैं कह रहा हूँ। हिंदू महासभा ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लागू नहीं होने दिया, जो हिंदू और माने दलित मुस्लिम जो अलाइनमेंट बंगाल में था वो कृषक प्रजा पार्टी के साथ था और जमींदारों के खिलाफ जमीन के हक हकूक के लिए था, ये था। वो फेल्यूअर होने के बाद वो जो फेल कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वही से हिंदू महासभा की जमीन बनी और वही से मुसलमान हिंदुओं से अलग होके मुस्लिम के सपोर्ट में चले गए। तो आप ये मानते हैं कि मतलब मुस्लिम जो है वो सेपरेटिस्ट केवल हिंदुओं के कारण से बना? हिंदू महासभा का बहुत बड़ा रोल रहा है बंगाल में। बंगाल में कभी कोई दंगे का इतिहास नहीं रहा है, कभी कोई कम्युनल क्लास नहीं रहा है जब तक ये इससे पहले जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एथनिक डिविजन नहीं था। बांग्ला नेशन उन्हें बना है, बांग्ला एज ए लैंग्वेज वाज मोर इम्पोर्टेंट देन हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटीज। वही बात मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिटी का सवाल मुस्लिम लीग बनने के बाद भी नहीं था, वो आइडेंटिटी का सवाल फजलुल हक की गवर्नमेंट गिरने के बाद हुआ। उस गवर्नमेंट से कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ किया था और नेताजी इसके खिलाफ थे। लेकिन एक 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 बात, ये बिल्कुल बात मैं केवल यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ कि ये पोजीशंस कभी भी जो है वो एक सी नहीं होती है ना। और ये जो जो बंगाल में जो बात आप कर रहे हैं, बंगाल में जो सरकारें तीनों सरकारें बनी हैं, आंतरिक सरकार वो फजलुल हक की और नजीमुल्ला की जिसमें जुगन्नाथ मंडल मंत्री थे और सुहराबर्दी के जमाने में तो वो भारत के कानून मंत्री भी बने, तो उस वक्त दलित मुस्लिम इक्वेशन जो मेजोरिटी बनती थी यूनाइटेड बंगाल में, यानी भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो बंगाल में कभी भी ब्राह्मण कभी किसी भी क्षेत्र में राज नहीं करते। ये इसके कारण इन्होंने सिस्टमेटिकली बंगाल का पार्टीशन कराया, उसमें कम्युनिस्टों की भूमिका बहुत गड़बड़ थी। अच्छा, क्योंकि उसमें बंगाल का पार्टीशन में भी कम्युनिस्टों ने पार्टीशन के खिलाफ कभी नहीं कहा, क्योंकि जब वोटिंग हुई तो वोटिंग ये हुआ था, ईस्ट बंगाल का वोटिंग अलग हुआ था और वेस्ट बंगाल का वोटिंग अलग हुआ था, तब ये हुआ था इनमें से कोई एक पार्ट अगर पार्टीशन के पक्ष में अगर वोट डालता है तो बंगाल का पार्टीशन होगा। ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी से पार्टीशन को खारिज कर दिया और वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी से पार्टीशन को कर दिया, और उसमें ज्योति कम्युनिस्ट पार्टी के दो लोग थे, ज्योति बसु उनमें एक थे, इन्होंने वॉकआउट किया, माने इनडायरेक्टली इन्होंने पार्टीशन का सपोर्ट किया। तो पार्टीशन होने के कारण ही पार्टीशन के बारे में जो नेताजी और ये गांधी और उनको जिम्मेदार बताते हैं लोग जवाहर, तो बंगाल के लोग कब जिम्मेदार नहीं है, तो डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता से ही डायरेक्ट एक्शन किया, और उससे पहले आपके करीब 776 सभाएं पार्टीशन के पक्ष में बंगाल भर में हिंदू महासभा ने, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो अम्बेडकर डिसकनेक्टेड हो गए बंगाल से, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि हम पार्टीशन रोकने की हालत में नहीं है या कुछ भी करने की हालत में नहीं है। तो उस वक्त जोगेन्द्रनाथ मंडल विलेन बन गए, क्योंकि पार्टीशन के बाद इन्होंने कहा था कि जो जहां है उसको वहां रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि दलितों को पूर्वी बंगाल में रहना चाहिए, इससे क्या दलित पूर्वी बंगाल में रह गए, जैसे पंजाब में पार्टीशन पंजाब का भी, लेकिन पंजाब में दलितों का परसेंटेज बंगाल से ज्यादा है, इसलिए है कि दलित सारे के सारे आ गए थे, लेकिन बंगाल में जोगेन्द्रनाथ मंडल के कारण ऐसा हुआ कि दलित वहां रह गए, जिससे जोगेन्द्रनाथ मंडल वो बाद में वो अपना वो डिपेंड भी नहीं कर पाए, जबकि पाकिस्तान का संविधान उन्होंने बनाया। जैसे आप बोल रहे हैं आज कि केवल हिंदू महासभा की गलती है पार्टीशन, जब जोगेन्द्रनाथ मंडल पाकिस्तान गए और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, लेकिन जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है दैट इज अ मास्टरपीस, आप उसको देखें। हां बिल्कुल मास्टरपीस, इट्स अ होल
कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान दैट। बिल्कुल, वो उन्होंने पूरा बताया कि हमारे इस देश के अंदर माइनॉरिटीज का कंडीशन क्या है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि पार्टीशन के लिए केवल हिंदू या मुस्लिम को ब्लेम करें या ये कम्युनिटीज के अंदर जो डोमिनेंस की जो प्रवृत्ति है वो वही वर्चस्व यहाँ पर मुसलमान वर्चस्व है वहाँ, उसको कहीं पर भी जो है एक डिसेंटिंग नोट नहीं चाहिए। आप तो इस चीज को समझिए, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में पूरी मुस्लिम डोमिनेंस रही, तो आज माइनॉरिटीज का हालत क्या है, कितना परसेंटेज है? वो जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान में भी, जैसे भारत में जमींदारों और रियासतों का राज, दोनों पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तान में जितनी सड़कें हैं, जितना कुछ है, उनका नाम जमींदारों के नाम। कहने का मतलब ये है कि वो आप सही शब्द बता रहे हैं, आज की परिस्थितियों में जहाँ भी कम्युनल राइट से लेकर के डिवीजन की जहाँ बात आ रही है, वो वर्चस्व बात है। वो डोमिनेंट जो लोग हैं वो लोग अपनी पॉलिटिक्स को सूटेबल करने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए सब काम कर रहे हैं। अब बंगाल में क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, पार्टी एक तो बंगाल में सबसे बड़ा हुआ कि पाकिस्तान के लोग जब आए पार्टीशन के बाद, उनको तत्काल नागरिकता दी, तत्काल कंपनसेशन दे दी गई, और हमारे यहाँ के लोगों को ट्रांजिट कैंप पे रखा गया, और ये नीति शुरू से रही कि इनको लौटा दिया जाएगा, ये और इनको नागरिकता नहीं दी गई, रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और अब जो नागरिकता कानून बना तो उनके कारण वो डिप्राइव्ड हो गए नागरिकता से, तो इसके कारण इनका इंडिविजुअलाइजेशन बना, क्योंकि ये कम्युनिस्टों ने और इन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। और कम्युनिस्ट मूवमेंट, रिफ्यूजी मूवमेंट कम्युनिस्ट लोग करते रहे, रिजर्वेशन के लिए कम्युनिस्टों ने कभी आंदोलन नहीं किया। तो सवाल इस बात का है, जब आप बोल रहे हैं अपना ये पूरा फैक्टर्स आ रहे हैं बंगाल के अंदर, पूरी जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत ड्यूबियस और बड़ा नेगेटिव रहा है टुवर्ड्स द दलित एंड माइनॉरिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, रिजर्वेशन नहीं मिली और वो हिंदू महासभा से कम नहीं है, हिंदू महासभा के बराबर है। तो अभी जब आप बात करते हैं एक नेशनल लेवल पे, जब आप बात करते हैं कि एक अलायंस बनना चाहिए, वाम ताकतों के साथ आना चाहिए, हाउ डू दलित एंड बहुजन कम्युनिटीज रिकनसाइल विद दिस आइडिया कि कम्युनिस्ट पार्टीज सिटीजनशिप हो, इनका पुनर्वास हो, इसका और मरीज झपी नरसंहार इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी कितनी सिंपैथी रही है। उसके बाद 76 में जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो बंगाल में 35 साल तक वाम शासन रहा, तो मैक्सिमम सारे पोस्ट बंगाल में खाली होते रहे, वैकेंसी भरी नहीं गई कभी। एस्कैबेंस बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के दौरान भी जारी रहा, बहुत जबरदस्त ढंग से उनके लिए बंगाल में कुछ नहीं हुआ। रिफ्यूजीज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, रिफ्यूजीज में भी इन्होंने जातिगत तौर पर जो है वो निर्णय लिए, जो जो भद्रलोक रिफ्यूजी से उनको साल्ट लेक में जगह मिल गई है, और जो बेचारे दलित रिफ्यूजी से वो उसको भेज दिया दंड कारण। रिजर्वेशन मजे की बात है, रिजर्वेशन 76 में लागू हुआ, 77 में गवर्नमेंट लिफ्ट किया है, 2011 तक रही। लेकिन ये लेकिन रिजर्वेशन अब लेफ्ट फ्रंट ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, मंडल आयोग के लिए सबसे ज्यादा जो लगाए गए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंगाल के अंदर रिजर्वेशन को लागू करने में इतना टाइम क्यों लगा। नहीं, मैं एक बात ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के जी, मैं एक बात कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। असल कॉन्ट्राडिक्शन ये है कम्युनिस्ट लीडरशिप जो आज भी बंगाल में इतना इतनी बड़ी पराजय हो गई, पराजय से इनको कोई मतलब नहीं, इनका कोई हेडेक नहीं है मिश्रा जी, ये खत्म हो जाए कोई भी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप इनकी रहनी चाहिए, चाहे अभिमान बोस हो, चाहे पार्टी खत्म हो जाए। ये पूरे यूपी में क्या हुआ, यूपी बंगाल में तो कम्युनिस्टों का गढ़ कभी नहीं रहा, जो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है पंजाब में रहा है, बिहार में रहा है, उत्तर प्रदेश में रहा है, झारखंड में रहा है, तो पूरी हिंदी बेल्ट की लीडरशिप खत्म कर दी कि ताकि एससी एसटी ओबीसी के लोग लीडरशिप में ना, गौपट्टी के लोग नहीं। तो ये जो कम्युनिज्म का ब्राह्मणिकल वो आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है। तो आप ये बताइए कि जब हम रिकॉन्सिलिएशन पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की बात, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आज आप भी लिखते हैं बार बार कि उत्तर प्रदेश को बचा लो हिंदुत्व की शक्तियों से,
आप लिखते हैं कि भाई हिंदुत्व सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल है, सांप्रदायिक पुनरुत्थानवादी ताकतें जो है बिल्कुल चैलेंज है, ये कॉर्पोरेट का जो आपने कहा भगवाकरण है, यानी कि ये ब्राह्मणिकल कॉर्पोरेट है। बिल्कुल। तो जब इतना सब कुछ है तो ये दलित भी अकेले नहीं लड़ सकता, अकेले नहीं किसी भी नहीं लड़ सकता, मुसलमान भी कैसे इसको लड़े। तो इसके लिए भाई अगर आप केवल एक छद्म एकता बनाएंगे, छद्म एकता नहीं बन सकती, तो उससे तो कुछ नहीं, नहीं वो तो कॉस्मेटिक यूनिटी आप जाति चेंज नहीं कर सकते। जाति भारत में आप सब बाधा है, कौन भारत में सवाल इस बात पर तो विचार कम्युनिस्टों ने कभी नहीं किया, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया सर्वहारा है कौन। सर्वहारा जो संसाधनों से और इसका मतलब ये था कि कम्युनिस्टों ने सर्वहारा का के लिए काम कभी नहीं किया और कभी नहीं चाहा कि सर्वहारा का शासन हो, क्योंकि सर्वहारा तो भारत के लोग हैं। बंगाल के अंदर जो है कहाँ किया लैंड रिफॉर्म, कहाँ किया आधा अधूरा, सारे दुनिया में आधा आधा अधूरा, और लैंड रिफॉर्म लीडरशिप से मेरी इंटरेक्शन होता था वो तो मेरा यानी टॉप लेवल पर, माने कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर जब सिटीजनशिप एक्ट में इन्होंने समर्थन कर दिया रिफ्यूजीज के खिलाफ, जिसके शिकार हमारे 90% जो रिफ्यूजीज हैं दलित है सारे, और बंगाल के बाहर जितने रिफ्यूजीज हैं वो लगभग 100% दलित है, तो ज्यादा जान उसके भेजा गया, वो लोग विक्टिमाइज हुए, तब इनसे हमारा माने संबंध टूटा। उसके बाद में कभी पुस्तक मेले में नहीं गया, उसके बाद में रविंद्र सदन नंदन पूरे कैंपस में कभी नहीं गया, और इनके मेरा कहना है कि जैसे आप सोचते हैं, नहीं मैं आप सोचते हैं जैसे कि देश भर में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में लोकतांत्रिक वामपंथी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वामपंथी प्रगतिशील ताकतों का इकट्ठा होना चाहिए, सारी ताकतों का मैं कहूँ कैसे इकट्ठा, नहीं ये तो है बहुत बड़ा है। जब तक कि हम लोग आपकी बात को आज सुनेंगे तो अभी बोलेंगे कि ये तो सब वामपंथी विरोधी है, सब आपको बोलते हैं वामपंथी है दोनों चीजें, मैं तो वामपंथियों को कभी रियायत नहीं करता हूँ, चाहे मरीज जापी का मूवमेंट हो, लेकिन लोग भाषा शैली में पूरा जो भाषा शैली में सिर्फ मैं आइडेंटिटी का, जैसे दिलीप मंडल दलित दलित लिखता है या आपके एच एल दुसाद लिखते हैं या बाकी लोग लिखते हैं, वो उस लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल नहीं करता, उस लैंग्वेज तो सबकी अलग अलग होती है, उस लैंग्वेज में मैं जानबूझ के मैं टोटल जनता को मासेस को एड्रेस करने की कोशिश करता हूं, टोटल जनता को आप उनके एसेस करते हैं और रूलिंग क्लास को एलिनेट करने की कोशिश करते हैं, रूलिंग क्लास को कॉर्पोरेट जो ब्राह्मणिकल कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो माइक्रो माइनॉरिटी है, उसके अलावा 92-99% जनता जो है विक्टिम, तो ये विक्टिम्स की यूनिटी होनी चाहिए। हम पॉलिटिकल बिट्रेयल तो कम्युनिस्ट आज की परिस्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कम्युनिस्ट, तो ट्रेड यूनियन अब उसको बाय वे वो तो हमको पता है कि उनसे बहुत गलतियां हुई हैं, लगातार गलतियां अभी जब मुक्त बाजार हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमी का, इनकी गवर्नमेंट थी तब बंगाल में गवर्नमेंट थी, केरल में गवर्नमेंट थी, कृपा इन्होंने कभी कोई मूवमेंट नहीं किया, वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी नहीं अब तो कर भी नहीं सकते। रोहित वेमुला की हत्या के बाद देश भर में जो है जो खास करके अम्बेडकरवादी छात्र हैं या बहुजन छात्र संघ है या वामपंथी छात्र संघ साथ आए कई जगहों पर, लेकिन फिर ये यूनिटी क्योंकि कॉस्मेटिक थी। हाँ बिल्कुल, ऊपर से और दूसरी तो फ्रेजाइल थी, तो अभी सब अलग अलग हो गया, फिर अलग अलग हो गया, उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। अब वो फ्री मार्केट की ताकतें दलितों में भी, फ्री मार्केट की ताकतें सक्रिय वहां पर भी है आपका वामपंथियों में भी, तो ये जो मनी आ रहा है, जो पैसा जो एक बड़ा फैक्टर है, उसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं ये सभी पक्षों को, ये किसी एक पक्ष की बात में नहीं कर रहा, सारे पक्षों को ये कंट्रोल कर रहा है, तो एक गड़बड़ी वहां भी हो रही है। और एक आइडियोलॉजिकल बिट्रेयल, क्योंकि चाहे वो छात्र संगठन हो या मजदूरों का संगठन हो, उसको कंट्रोल करता है पॉलिट ब्यूरो, और पॉलिट ब्यूरो में गड़बड़ी शुरू से गड़बड़ी रही, पॉलिट ब्यूरो पूरी तरह ब्राह्मणिकल सिस्टम को सस्टेन करने की, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ आरएसएस से भी ज्यादा कट्टर ब्राह्मणिकल आपके हमारे वामपंथी लोग है, ये मैं बार-बार लिखता रहा हूं। नहीं, ये बात आपकी सही है, इसको उनको तो आपने बोल दिया, लेकिन पॉइंट ये है, पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्या है इस वक्त भारत में, जो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी हद तक
जो राम मनोहर लोहिया जाति की बात करते थे और वर्ग की बात करते थे वो काफी हद तक प्रैक्टिकल है भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में। तो कम्युनिस्टों ने इस पर कभी विचार नहीं किया। उसको एक कम्युनिस्टों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बोलने आपने लोहिया जी का नाम लिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़ी दुश्मनों के तौर पर बिल्कुल 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 उनकी उनका रोल बहुत गलत है। और अभी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है मायावती हो चाहे अखिलेश हो इनकी प्राथमिकता सत्ता हासिल करना है चाहे कांग्रेस के सपोर्ट से करें चाहे बीजेपी के सपोर्ट से करें। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले आने वाले समय में चुनाव में एक को तो लोग वोट देंगे ही देंगे। बिल्कुल कैसे वोट करें? वोट हम यही कहते हैं कि जहाँ एंटी बीजेपी जो भी कैंडिडेट जो टैक्टिकल वोटिंग होगी आइडियोलॉजिकल वोटिंग नहीं हो सकती। और अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा क्योंकि आइडियोलॉजिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक जनता का मोर्चा बनना चाहिए और कम्युनिज्म से हमको कंट्राडिक्शन नहीं कम्युनिस्ट लीडरशिप से कम्युनिस्ट पार्टी से कंट्राडिक्शन इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की देखिए वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी अभी 50 है तो इसलिए आप सबको एक रफली तो नहीं, नहीं 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 कुछ लोगों का रोल पॉजिटिव भी है कुछ अच्छा भी कर रहे हैं जैसे सीपीएमएल के लोगों ने दलितों का मामला किया वो तो सत्ता में कभी रहे उनको गाली नहीं दे सकते। तो लेकिन जो मेन स्ट्रीम सीपीआई सीपीएम की पॉलिटिक्स रही है और इनके कारण हम ये नहीं कर सकते कि मेहनत कश है कौन क्योंकि अभी जो इलीट जॉब है रिजर्वेशन को निकाल भी दीजिए रिजर्वेशन होने के बावजूद डीएम कितने हैं आपके सेक्रेटरीज आपके कितने हैं पॉलिसी मेकिंग जगह पे आपके लोग कितने हैं बंगाल में एक भी मिनिस्टर नहीं है इस कम्युनिटीज का। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है पलाश जी कि हमने 35 साल तो जो है वामपंथियों का ब्राह्मणिकल रूल देखा अब उसके काउंटर में भी जो रूल आया वो भी सुपर ब्रांडिंग का और आज भी देश में अभी भी मोदी के क्लब को ना ममता बनर्जी और ममता बनर्जी उसके साथ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी को हटा दो जेटली को बना दो आडवाणी को बना दो जो राम मंदिर आंदोलन का यानी पक्ष भी संघ परिवार का विपक्ष भी संघ परिवार का पक्ष भी ब्राह्मण का विपक्ष भी ब्राह्मण नहीं संघ परिवार मतलब ही ब्राह्मण वो संघ परिवार बहुत अलग भी है संघ परिवार माने ही ब्राह्मण है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जमींदार और आपका गांधी ने किया क्या जो पुणे पैक्ट में क्या हुआ इससे पहले तक तो राजपूत लोग आपके रूलिंग क्लास में थे जमीन अभी उनके पास सबसे ज्यादा है इन्होंने क्या ये इससे पहले मनुस्मृति के मुताबिक या भारत से यानी आजाद होने से पहले अंग्रेजों के जमाने में भी राजपूत रूलिंग क्लास में थे गांधी ने बनियों को रूलिंग क्लास में नहीं वो तो ठीक है वो बात वो बहुत दूसरी तरफ जाएगी लेकिन आप जो इतना अभी काम कर रहे हैं मेरे को ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि पलाश जी जो है एक दिन में कितना भेजते हैं मेल कितना लिखते हैं और पलाश जी हमेशा गुस्से में रहते हैं ये गुस्सा पलाश जी को क्यों आता है? गुस्सा ये इसलिए आता है कि एक दिशाहीनता एक अंधेरा बिल्कुल अंधेरे में क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि आप मजदूर आंदोलन भारत में कभी बाबा साहब के जमाने से जो मजदूर आंदोलन डाइवर्ट हुआ लोखंडे साहब के बाद पूरा ब्राह्मणिकल हैंड में चला गया फिर उसके इकोनॉमीज में चला गया मेहनत असंगठित क्षेत्र में भी नहीं हुआ हम तो हर सेक्टर में जाते रहे डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हम जाते रहे बामसेप के साथ हम लोगों ने लगातार काम किया। बामसेप से क्या प्रॉब्लम? बामसेप से प्रॉब्लम ये है कि बामसेप मूवमेंट करना ही नहीं चाहता है बामसेप से फंड रेजिंग में इंटरेस्टेड है थैली दो मूवमेंट काम करते हैं जाते हैं वो तो गांव ना गांव जाते हैं लेकिन ये इश्यूज को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे यही तो था और उसके क्या अपने एनर्जी खराब क्यों कर वो कब करेंगे कोई अता पता नहीं और उनका बामसेप के नेटवर्क में फंड रेजिंग सबसे प्राइम है। देखिए फंड रेजिंग हर एक पार्टी करते करती है लेकिन बामसेप में फंड रेजिंग के अलावा फंड कोई देखिए दलितों को जो दलित बहुजनों की जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको कोई उद्योगपति तो चंदा देता नहीं नहीं वो जाहिर है देता नहीं तो फंड रेजिंग जरूरी है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है जो लीडरशिप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ हमारा डिफरेंस क्या हुआ बामसेप की बॉम्बे यूनिट तीन यूनिट को भंग कर दिया गया एक के बाद एक क्योंकि उन्होंने हिसाब मांगा
बोला जो हम बॉम्बे में जो कार्यकर्ता थे एक एक करोड़ रुपए सालाना चंदा देने वाले लोग थे, उन्होंने कहा हम जो चंदा दे रहे हैं ये चंदा किस प्रपोज में, बहुजनों के प्रपोज में खत्म हुआ। तीन प्रेसिडेंट बनाया, तीन कमेटी बनाई, तीनों को डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये सारा अभाव बामसेक का बिखराव हुआ। नहीं वो तो ये तो एक चीज है, लेकिन बहुत सी और भी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, और आइडियोलॉजिकली भी ये एक बड़ी विभ्रम की स्थिति है। ये जो एक बड़ा कंफ्यूजन है कि जनता की, जैसे बाकी देशों में होता है कि उत्पादक, माने वो चाहे वो जर्मनी में चर्च के खिलाफ जो आंदोलन रहा, इंग्लैंड में जब आंदोलन रहा, फ्रांसीसी क्रांति हुई या अमेरिका में क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई, तो मेहनत वर्गों का कोई पार्टीबद्ध नहीं था। और अगर अगर कहा जाए सोवियत संघ में जो क्रांति हुई, लेनिन ने क्रांति की, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो सारी मोर्चाबंदी हुई। तो भारत में क्या हुआ कि दिक्कत ये कि आइडियोलॉजी बहुत आड़े आ रही है, आइडियोलॉजी एक ऐसा पाखंड हो गया है, चाहे वो आपका सोशलिस्ट हो, चाहे अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी हो, चाहे ये बिट्रियल जो आइडियोलॉजिकल बिट्रियल है जनता के खिलाफ, जिसके कारण मूवमेंट डाइवर्ट, मूवमेंट बन नहीं पा रहा है। गुस्सा इस बात का है कि मूवमेंट जनता के हित में, कोई मास मूवमेंट, कोई रेजिस्टेंस, जैसे 25 साल हो गए मुक्त बाजार का, कोई आप मुक्त बाजार तो बहुत हो गया, वो बहुत लोगों ने कर लिया, लेकिन आप बड़ी क्रिटिक करते हैं अंबेडकरवादियों की। अंबेडकरवादियों की क्रिटिक इसलिए करते हैं, अंबेडकरवादियों को मिनिस्ट्री में होना चाहिए था, लेकिन अंबेडकर में क्यों आया, मिनिस्ट्री में नहीं आया, मूवमेंट में, रेजिस्टेंस में मिनिस्ट्री में उनको लीड करना चाहिए था। रेजिस्टेंस लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपने लेवल पे कहां पे कर रहे हैं, तो कोई उसका इम्पैक्ट तो है नहीं। वो सारे लोग अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, कोई उनमें कोई, जैसे पहले ऐसा था, जैसे आप बोलते हैं, आपने कई लोगों की क्रिटिक करी, जब लोगों ने कहा कि भाई आप हमेशा क्लास की बात करते हैं, क्लास इज इम्पोर्टेंट, आप जो है वो जो कास्ट वाला जो फैक्टर है भारत में, जाति सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं कि भाई क्लास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और आपको लोग इस सेंस में देखते हैं कि आप ये बोलते हैं क्लास इज वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, क्लास इम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ क्लास, क्लास में ये लोग तो सारे मर्ज होते हैं, वहां मुझे कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है। मैं तो कहता हूँ कि देखिए वो सारा जो हुआ है, जो क्लास के आधार पर जो पोलराइजेशन होना चाहिए, कम्युनल या आइडेंटिटिकल, आइडेंटिटीज बहुत छोटी छोटी है, उससे आप लार्ज लेवल पे नहीं कर सकते। जो गोलबंदी होती है, मोर्चाबंदी होती है, चाहे को जो भी आइडेंटिटी हो, कि एससी आइडेंटिटी में भी अलग अलग जातियों की आइडेंटिटी अलग अलग है, ओबीसी आइडेंटिटी अलग है, फिर आपका रीजनल आइडेंटिटीज अलग है, फिर आपका कहने का मतलब है कि यूनिटी जो है वो इशू बेस्ड हो सकती है। और दूसरी बात ये है, मैं ये बता रहा हूँ, भारत में जो है कि मैं रेशियल जो मैं बात करता हूँ, रेशियल भी, क्योंकि ये कन्वर्सन है, जो हिंदुत्व में आए हुए लोग, जातियां भी बाद में बनाई गई है, जातियां ये सारी, जैसे राजपूत के, राजस्थान के राजपूत है, दे वर कन्वर्टेड, बहुत सारे लोग खुद बन गए राजपूत, ये राजनीतिक सिस्टम पूरा रेसिस्ट है। तो पलाश विश्वास ने ये संकेत दिया कि बदलाव की जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, और वो बदलाव की हवा बंगाल के अंदर भी आने वाली है, क्योंकि दलित बहुजन आंदोलन यहाँ पर मजबूत हो रहा है और उनमें सांस्कृतिक बदलाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वामपंथी साथियों को उनको यही कहना है कि वो जाति के प्रश्नों को भी साथ में रखें और अपने नेतृत्व में जो उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर गलतियाँ की हैं उसको अगर वो सुधार लेंगे तो शायद ये भारत के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। पलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद।